इन किसानों ने विजय अपनी बात मनवाने का स्वाद चख लिया और वही यही इस आंदोलन की उपलब्धि है। सरकारों के लिए सबक है, चेतावनी है कि मेरी सुनो, नहीं तो हम फिर दिल्ली आ सकते हैं, फिर लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर झुका सकते हैं, फिर बनवा सकते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया वालों के लिए उनकी दुकान चलती रहे इसलिए इस तरह का आंदोलन होता रहे, ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए। तो मीडिया से एक गलती हुई कि मुद्दों पर बात नहीं हुई, गैर जरूरी मुद्दों पर बात हुई। एक तो यहाँ पर एक देशी भाषा में कहते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। जो यहाँ पर जितने लोग आए हैं ना, किसान आंदोलन के पहले ये लोग उन्हीं चैनल को देखते थे जिस चैनल से आज इनको सबसे ज़्यादा शिकायत है। किसानों ने बहुत कुछ पाया है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लेटफॉर्म। अभी हमें गाजीपुर बॉर्डर पे और वहाँ एक तरफ आंदोलन देखा जा रहा है, तो आज आंदोलन का लास्ट डे है, आंदोलन खत्म हो रहा है और किसान आज घर जा रहे हैं। भाई मेरे साथ दो दो पत्रकार हैं यहाँ पे जो फर्स्ट डे से आंदोलन कवर कर रहे हैं और आज भी यहीं पे हैं, तो हम उन्हीं से बातचीत करेंगे। उनका इतने दिन का सफर आंदोलन का कैसा रहा और क्या? सर आप न्यूज़ 24 से हैं, आप लगातार फर्स्ट डे से आंदोलन कवर कर रहे हैं, तो आपका सफर यहाँ कैसा रहा? देखो, किसी भी पत्रकार के लिए कुछ एक ऐसा असाइनमेंट होता है जो हमेशा के लिए यादगार हो जाता है। तो एक ही असाइनमेंट पर एक साल तक काम करना, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि किसी पत्रकार को अभी तक ये मौका मिला होगा। तो हम लोग इस मामले में प्रिविलेज्ड हैं कि हमें ये मौका मिला है। सर आप लगातार एक साल से आंदोलन कवर कर रहे हैं, मैं आपसे एक बहुत सवाल जो अहम है वो पूछूंगी, आपको क्या लगता है, आपकी राय, किसानों ने क्या खोया और क्या पाया? किसानों ने बहुत कुछ पाया है। एक तो वो जो दिख रहा है, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो दिख नहीं रही हैं लेकिन वो मिली हैं। पाया क्या है? पाया ये कि तीन कानून आए और तीनों कानून को लेकर किसानों को लगता था कि भय था उन्हें कि ये कानून सही नहीं है, मैं कानून के अच्छा है बुरा है उस पर नहीं जाता, लेकिन किसानों को लगा कि ये कानून अच्छा नहीं और इसके लिए उन्हें आंदोलन करते रहे। तो अब उनका वो भय खत्म हो गया। अब क्या मिला? तो कानून खत्म होने से मिला कुछ नहीं, लेकिन क्या मिला? मिला ये कि आज के समय में सारी राजनीतिक पार्टियां, सरकारें किसानों पर, किसानी मुद्दों पर बात कर रही हैं, बात करेंगी। जो मेन पब्लिक डिस्कोर्स में किसानों के मुद्दे पर चर्चा होगी, राजनीति में जब चुनाव हैं, चुनाव के समय जब पॉलिटिकल पार्टियां टिकट का बंटवारा करेंगी तो वैसे लोगों को टिकट देंगी जिनके पीछे किसानों का समर्थन होगा। जब कोई कैंडिडेट जाएगा चुनाव प्रचार करने तो वहां पर लोग उनसे पूछेंगे कि किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई। दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात हुई कि किसानों ने ये दिखा दिया देश को कि एक आंदोलन किया जा सकता है, सबसे मजबूत सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा सकता है और वहाँ पर जीत भी हासिल की जा सकती है। सर आप खुद एक पत्रकार हैं यहाँ पे, तो आपसे एक सवाल और पूछूंगी, क्या मीडिया में भी पक्षपात होता है? किस बात को लेकर? सर जैसे यही आंदोलन में ही देख लीजिए, गोदी मीडिया कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि जो एक चैनल होता है कि लो हमें अगर मुझे कुछ देखना है तो मैं केवल वही उसी मुद्दे पे देखूंगी, दूसरा टॉपिक नहीं देखूंगी, तो क्या इस तरीके से मीडिया में कुछ पक्षपात भी होता है? अब इसको मैं आपके दूसरे इस सवाल को दूसरी तरह से बता रहा हूँ। हाँ। जो यहाँ पर जितने लोग आए हैं ना, किसान आंदोलन के पहले ये लोग उन्हीं चैनल को देखते थे जिस चैनल से आज इनको सबसे ज्यादा शिकायत है, इसलिए कि तब वो जो दिखाते थे बहुत अच्छा लगता था। बाद में उन लोगों ने किसानों के मुद्दों को जब नज़रअंदाज करना शुरू किया, किसानों को खालिस्तानी बताना शुरू किया, किसानों को नकली किसान बताना शुरू किया, तब उन्हें लगा कि ये बुरा है। तो यहाँ पर एक देशी भाषा में कहते हैं मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू। आपने जिन चैनल्स को की बड़ी तारीफ करी, बहुत प्रेम से देखे, उनके एंकर्स को स्टार बनाया और बाद में उन्होंने ही आपको खालिस्तानी बताया, मतलब किसानों को, या तो ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन हमेशा से किसी मसले को लेकर मीडिया में कभी एक राय नहीं होती है और एक राय होनी भी नहीं चाहिए। जिस तरह से हर आदमी को अपनी बात कहने की
आज़ादी है, उस तरह से मीडिया भी वही उस तरह का माध्यम है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जरूर हुई कि जब हम किसान आंदोलन की बात करते हैं तो मीडिया से एक गलती हुई कि मुद्दों पर बात नहीं हुई, गैर जरूरी मुद्दों पर बात हुई। एक आंदोलन है, ये जरूरी है या नहीं इस पर चर्चा होनी चाहिए थी, कानून के पक्ष विपक्ष पर चर्चा होनी चाहिए थी, इस पर चर्चा नहीं हुई। चर्चा किस पर हो रही थी कि इस आंदोलन में किसान अय्याशी कर रहे हैं, चर्चा इस पर हुई कि किसान ये हैं या नहीं है, किसानों के भंडारे में क्या पक रहा है, किसान कैसे सोते हैं, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। चर्चा जो होनी चाहिए थी, ईमानदार चर्चा होनी चाहिए थी कि ये कानून गलत है या सही है, किसानों की मांगे हैं वो कितनी सही हैं कितनी, तो ये मीडिया से एक चूक हुई है। भाई अगर सर आंदोलन से हटके अगर हम बात करें तो काफ़ी मुद्दे हैं, बेरोजगारी वगैरह, अगर आंदोलन में ही सबसे बड़ा एक मुद्दा था अजय टेनी की बर्खास्ती का। पहले जहां किसान कहते थे कि जब तक बर्खास्ती नहीं होगी हम घर नहीं जाएंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा वो मुद्दा है वो शांत हो गया है? देखो इस सवाल का जवाब किसान नेता देंगे, लेकिन मेरी जो समझ है, आप सब लोगों के लिए भी मेरी जो समझ है कि जब अजय टेनी वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, देश की सबसे बड़ी अदालत उसकी वो कर रही है, निगरानी कर रही हो, उसमें न अब सरकार कुछ कर पाएगी न कुछ किसान नेता कर पाएंगे। ये बात सबको समझ लेना चाहिए कि भाई मामला कोर्ट में है और जो करेगी वो कोर्ट करेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मामला जो समझौता हुआ उसमें उसकी चर्चा नहीं हुई होगी। भाई अगर सर एक बात और देखी जाए कि मतलब यहाँ पे भी कई ऐसे भी लोग भी हैं जो पहले तो चैनल देखते हैं लेकिन फिर अगर मतलब एक मुद्दा जो होता है जो कहा जाता है कि मुझे मेरी ही चीज़ देखनी है वो यहाँ पे ज़्यादा हुआ। मुझे मेरी ही चीज़ देखनी मतलब? हाँ मतलब जैसे कि अगर कोई टीवी चैनल ले लीजिए या फिर सोशल मीडिया ले लीजिए, यहाँ से कई सोशल मीडिया के ऐसे चैनल हैं जो यहीं से उठे हैं, तो क्या लगता है कि आगे वो चैनल वर्क करेंगे? हाँ क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा गर्मी के समय में गर्मी के कपड़े बिकते हैं, जाड़े के समय में सर्दी के कपड़े बिकते हैं, तो वो सीजन थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो मीडिया प्लेटफॉर्म बने हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हैं, तो बने हैं तो देश में कभी मुद्दों की कमी नहीं होने वाली। हाँ इस तरह से इस तरह का मुद्दा नहीं मिलेगा इतना आसानी से, और भगवान न करें कि ऐसा मुद्दा मिले एक जहाँ पर लाखों लोगों को आके सड़क पर बैठना पड़े, ये सब नहीं होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया वालों के लिए उनकी दुकान चलती रहे इसलिए इस तरह का आंदोलन होता रहे, ऐसा आंदोलन नहीं होना चाहिए। सर चलिए एक बात लास्ट वीडियो में और पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर बात की जाए, मोदी जी कहते थे आत्मनिर्भर भारत बनाइए, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता इस आंदोलन से जो आत्मनिर्भर भारत की एक जो छवि है वो निकली है बाहर? अभी नहीं, इस आंदोलन से आत्मनिर्भर भारत की छवि नहीं निकली है। इस आंदोलन से एक किसानों में आत्मविश्वास आया, इसलिए कि किसानों ने देख लिया कि हम दिल्ली जा सकते हैं, सरकार के दरवाजे तक जा सकते हैं। इन किसानों ने विजय अपनी बात मनवाने का स्वाद चख लिया, और वही यही इस आंदोलन की उपलब्धि है, सरकारों के लिए सबक है, चेतावनी है कि मेरी सुनो, नहीं तो हम फिर दिल्ली आ सकते हैं, फिर लड़ाई लड़ सकते हैं, फिर झुका सकते हैं, फिर बनवा सकते हैं। तो देखा अभी हमारे साथ थे न्यूज़ 24 के वरिष्ठ पत्रकार प्रभाकर मिश्रा, उनकी क्या राय है आंदोलन को लेकर और उनका क्या कहना है आंदोलन को लेकर, आंदोलन के लोगों के बारे में, और आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म।